ये ट्वेल्थ में जो प्रैक्टिकल फिजिक्स का है जिसमें विभव मापी की सहायता से दो सेलों की तुलना करना है, वो नेगेटिव की तरह वर्क करेगी। इसको टू बिट की द्विमार्गी कुंजी कहते हैं। अपन द्विमार्गी कुंजी में क्या है, 1, 2, 3 टर्मिनल होंगे, एक और दो के बीच में अगर जोड़ेंगे तो सेल इवन, और सेल इवन का मतलब कौन सा सेल जोड़ा हमने, और जब दो और तीन के बीच में टर्मिनल लगाएंगे तो इसको हम विभव मापी कहते हैं। लकड़ी के फ्रेम पर 10 मीटर लंबे वायर को 1-1 मीटर के 10 रोटेशन में जोड़ रखा है और ये स्केल लगा हुआ है। ये टूबे की है, ये जिंक रोड है और ये विसंती कुंजी है जो की है। ये गैलोनोमीटर है, गैलोनोमीटर के साइड में ये धारा नियंत्रक और ये कुंजी के ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, कुंजी को बंद करना मतलब प्लग को लगाना, कुंजी को बंद करना मतलब प्लग को लगाते ही धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और प्लग को हटा दिया तो धारा बंद हो जाएगी। दो रास्ते हैं धारा के, 1, 2 को जोड़ेंगे तो कौन सा सेल जुड़ेगा, जब आपने ये प्लग हटा कर ये जो प्लग रखा हुआ है ये यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जोड़ा तो कौन सा सेल से? E1 के लिए मतलब लेग्रांजियन सेल के लिए संतुलित लंबाई L1, और E2 मतलब डेनियल सेल के लिए संतुलित लंबाई L1 और L2 अगर हमारे पास आ जाए तो विभव मापी की सहायता से दो सेलों की तुलना E1/E2 बराबर L1/L2। जैसे हमने प्रैक्टिकल में देखा कि 860 L1 और 640 L2, तो E1/E2 बराबर 860/640। 640 का रेशियो निकालेंगे, 860/640, तो E1/E2 बराबर L1/L2। ये 12th का फिजिक्स प्रैक्टिकल हमने सीखा। इसके पहले हमने मीटर सेतु, मीटर ब्रिज और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हम सीख चुके हैं। थैंक यू।